हेलो स्टूडेंट्स, इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सब स्टूडेंट्स को स्वागत है। ओके, अगली वीडियो में लिमिट का सॉल्यूशन S.N.Dey बुक से मैं किया है। अब लिमिट चैप्टर का शेष हो गया, अब मैं कंटिन्यूटी चैप्टर को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इसका बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी मतलब नो ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। और डिफेंसिबिलिटी जो है, डिफेंसिबिलिटी मतलब है नो ब्रेक एंड नो शार्प, दोनों होगा। और कंटिन्यूटी सिर्फ नो ब्रेक, डिफेंसिबिलिटी नो ब्रेक एंड नो शार्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। ये व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी मतलब है सिर्फ अगर इफ यू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम हियर टू हियर थ्रू ए पेन, देन दिस पेन अब हमको नहीं उठाना पड़ेगा यहाँ और यहाँ, तो इसीलिए ये थ्रू यहाँ से यह कंटिन्यूटी है। अगर ये पेन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे, अगर यहाँ उठाएगा थोड़ा, तो ये हो गया इसमें, इस पॉइंट में डिसकंटिन्यूटी। तो इसीलिए ये है कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी। इसका जो मैथमेटिकल जो थ्योरी है, ये थ्योरी में आप बताऊंगा वो कैसे। आप देखिए, एनी फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एनी फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ एनी फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इफ कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वन नंबर कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ओके, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, इसका मीन्स है ये है दैट इज एफ ए। तीनों जिनिस सेम होगा, सिर्फ ये तीनों जिनिस होगा। तो आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट बार करना पड़ेगा, दैट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ए का लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड लिमिट जो है ये है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, और वैल्यू एफ ए। ये तीनों जिनिस सेम होगा, तो कैसा होगा ये लिमिट, इसको इसके बारे में लिखा जाता है एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए माइनस जीरो, इसी हिसाब से लिखा जाता है। इसको भी उसी हिसाब से ए प्लस और एफ ऑफ ए प्लस जीरो, ये तीनों स्ट्रक्चर है लिखने का फॉर्म, ऐसा यू कैन राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए। ये तीनों जिनिस जब सेम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ए, तो आप हम बता सकते हैं दिस फंक्शन एफ एक्स ओके कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, जब दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट में इसका फंक्शन, इस फंक्शन का, क्योंकि इस फंक्शन का कंटिन्यूअस के मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इस फंक्शन का कंटिन्यूअस का डिस्कस कर रहा हूँ, तो मतलब है इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट में ये वाला, इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट में मतलब ये वाला, और इस फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट में मतलब ये एफ ए। तीनों जिनिस सेम होगा तो अब हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज, इफ दिस कंडीशन देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ओके, अगर मान लो कोई भी थ्री चीज का अगर कोई भी इक्वल नहीं हुआ तो कहला जाता है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इफ एनी वन नॉट इक्वल, देन
fx is discontinuous. Okay, d is continuous at x equal to a. Okay, दोस्तों हम आप बताएंगे जो लिमिट मैंने बोला लाइफ एफेक्स इसका जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस राइट हैंड लिमिट ऑफ एफेक्स x टेंस टू a प्लस एंड एफ ए तीनों चीज के अंदर अगर मान लो ये दोनों इक्वल हुआ और ये वाला इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब क्या है एफेक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x equal to a, but left hand limit and right hand limit दोनों अगर same हो जाएगा तो इसका limit का existence है मतलब मान लीजिए इसका value होगा 2 इसका value होगा 2 तो limit का value होगा क्या 2 मान लो limit of fx x tends to a minus limit of fx fx x tends to a plus दोनों का value हो गया 2 तो क्या होगा बट इसका वैल्यू एफ ए का वैल्यू 3 होगा तो इसका लिमिट व्हिच कंटिन्यूटी दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटीन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस बट लिमिट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम ओके एंड लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 2 होगा सो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन limit of fx at the point x equal to a is exist okay important मतलब इसका limit same होगा और इसका limit अगर मान लो जी l हुआ ठीक है तो इसका value कितना होगा l होगा जैसे यहाँ अगर 2 होगा तो यह 2 होगा तो इसका value होगा 2 होगा clear है ना ये हुआ continuity discontinuity and the existence of limit left hand level right hand limit दोनों same होगा तो उसका वैल्यू ही होगा लिमिटिंग वैल्यू तो ये होगा लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि मैं पहले ही बोला है जे fx l मतलब fx tends to l when x tends to a तो ये होगा fx का लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि fx का वैल्यू तो l नहीं हुआ लिमिटिंग वैल्यू मतलब fx tends to l plus when fx tends to l minus when x tends to a plus x tends to a minus पहले बताया ना जो when x tends to a plus तब fx tends to L plus when x tends to a minus मैं limit का chapter में बताया था पहले video में याद कर लो limit का conception में L minus तो यहाँ से ही आता है ये वाला clear हुआ ना अब मैं start करूँगा solution से पहले और मैं थोड़ा बात बताऊँगा one number point जो limit का है any function fx और मान लो gx और बहुत सारे फंक्शन हो सकता है तो अगर fx plus gx plus और माइनस fx minus gx ठीक है fx product multiply gx fx divide gx ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा अगर ये हर फंक्शन का एवरी फंक्शन अगर दोनों फंक्शन है इसमें 3 और मोर फंक्शन हो सकता है तो जितना भी फंक्शन होगा उतना ही फंक्शन हर फंक्शन का कंटिन्यूअस अलग तरह से होगा इसीलिए ये फंक्शन ऑल आर कंटिन्यूअस ये फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए हर फंक्शन के अलग तरह के कंटिन्यूअस होता है अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस होगा तो पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है gx तो ये पूरा fx - gx डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा मान लो fx डिसकंटिन्यूअस बट gx इज कंटिन्यूअस तो इसीलिए gx सिंस डिसकंटिन्यूअस है तो पूरा का पूरा फंक्शन fx मल्टीप्लाई gx इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा मान लो fx कंटिन्यूअस gx भी कंटिन्यूअस दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ओके और एक बात जिस पॉइंट में फंक्शन विल बी जिस पॉइंट में दिस फंक्शन fx विल बी कंटिन्यूअस नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहला जा सकता है ठीक है मान लो दिस फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x = a बिकॉज़
not equal to f a. So this function f x will be is discontinuous at the point x equal to a. That is discontinuity at the point x equal to a. अब मैं शुरू करूंगा सॉल्यूशन. सॉल्यूशन अब मैं सॉल्यूशन शुरू करूंगा S.N.Dey बुक से. आपको मैं दिखा रहा हूं ये है S.N.Dey बुक एक्सरसाइज 2A. एक्सरसाइज 2A बुक से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है यहां से थोड़ा क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊंगा. देखिए एक्सरसाइज 2A यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा. अब देखिए एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का जो है इसका क्वेश्चन नंबर ये 2 है, मैं 2 दिखा रहा हूं. एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो 3 ऑप्शन इज हियर, 4 ऑप्शन इज गिविंग, ऑप्शन ए बी सी डी. तो मॉड एक्स ये है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2. तो मॉड एक्स क्या होगा, ये लिखा है कंटीन्यूअस फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटीन्यूअस ओनली एट एक्स इक्वल टू 0, नॉन ऑफ दीज. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कैसा है, ये एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है इसका मॉड्यूलस फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा. वो कैसा है, ये मॉड एक्स इक्वल्स एस व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन. ये एब्सोल्यूट फंक्शन इसका डिफाइन ऐसा होता है, एक्स व्हेन एक्स पॉजिटिव एंड इसका वैल्यू होगा माइनस एक्स व्हेन एक्स नेगेटिव. अब हमको लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट, जो मैं थ्योरी अभी बताया उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करना होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा होगा, कितना होगा इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर तुम लोगो तो क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू इन कौन सा पॉइंट, यहाँ देख लीजिए ये जो फंक्शन हमने बताया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन 0. तो यहाँ जो फंक्शन जो फॉर्मूला हमारा था लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस में, तो यह ए पॉइंट में हमको कॉन्टिन्यूटी निकालना होगा, इसीलिए ए पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालना होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट मानने जो जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए, तो इसका लेफ्ट मतलब ये पॉइंट इधर वाला और राइट मतलब ये इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट. तो जब लेफ्ट होगा ए का नजदीक होगा बहुत एंड ए का लेस होगा, एंड एट द पॉइंट ए राइट हैंड लिमिट मतलब ए का बहुत नजदीक होगा एंड ए प्लस होगा, ए से थोड़ा सा प्लस होगा. तो ये मीन्स ये तो आपको दिखाई दे रहा है ए पॉइंट होगा 0, तो 0 से जो बहुत नजदीक होगा लेस होगा वो कौन सा वाला, ये तो नहीं होगा क्योंकि 0 के ग्रेटर है और 0 के लेस है. तो इसीलिए ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस और एफ एक्स. तो एफ एक्स का वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला, ये मैंने लिया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 पॉइंट में, तो ये होगा माइनस होगा. आप 0 माइनस जो बैठेगा सिर्फ 0 बैठेगा, तो माइनस 0 होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा. और राइट हैंड लिमिट कैसा होगा, राइट हैंड लिमिट लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0, ये इसी हिसाब को आपको एग्जाम में करना होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है. ये बोल लेवल का देख लीजिए अच्छी तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मैंने जस्ट ग्रेटर देन 0, 0 का बहुत नजदीक होगा एंड 0 का जस्ट ग्रेटर, जैसे ये वाला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा 0, अगर यहाँ 0 बैठा तो यहाँ एक्स है ना, पहले एक्स से बैठा तो 0 होगा, कौन 0. ओके, और एफ 0 चाहिए हमको, क्या चाहिए, एट द पॉइंट एफ ए, वैल्यू ऑफ द पॉइंट एक्स इक्वल टू एफ, दैट इज यहाँ द पॉइंट है 0. एफ 0 कौन सा होगा, 0 का इक्वल कौन सा वाला, ये तो नहीं है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, ये दोनों एक्स ग्रेटर देन 0, तो हमको यहाँ तो मैं यूज किया, आप एक्स जो इक्वल टू 0 है यह फायदा होगा, एक्स 0 यहाँ बैठा दो तो 0 यहाँ बैठेगा, यहाँ भी 0 बैठेगा, तो एफ 0 कितना होगा 0, तो 0 हो गया. तो आप देखिए तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड 0 तीनों जिनिस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
equal to f0. तीनों जीनिस सेम हो, so we can say हम लोग बता सकते हैं जे fx जो function है mod x is continuous, okay, continuous at x equal to 0. तो हम बता सकते हैं fx is continuous at x equal to 0. अगर आप और कोई point देगा, जैसे मान लीजिए any point s equal to c which is greater than 0, ठीक है, उस पॉइंट में भी उसी हिसाब से ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसीलिए ए ऑप्शन होगा. इसके ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए होगा जब सीन ए बी सी डी है. इसके जैसे बी तो नहीं होगा क्योंकि डिसकंटीन्यूअस, सी तो नहीं होगा, कंटीन्यूअस ओनली एट x = 0. ये तो हमने x = 0 में कंटीन्यूअस बताया, लेकिन ये फंक्शन और जो पॉइंट है उसका भी कंटीन्यूअस हो सकता है, इसीलिए इस फंक्शन ऑप्शन ए होगा, कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. क्लियर है ना? अब मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4. सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए. fx x 2x माइनस mod x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. इसका भी उसी हिसाब से करना होगा. क्वेश्चन एमसीक्यू का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एमसीक्यू ना, ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मैं दिखा रहा हूं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें है क्वेश्चन नंबर, ये तो कुछ नहीं है, डिफाइन डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू a. मैंने जो अभी बताया डेफिनेशन दे दिया कि कैसे डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है. और क्वेश्चन नंबर जो है टू, डिफाइन कंटिन्यूटी fx एट x इक्वल टू 2 व्हेन इज द फंक्शन सेट टू बी कंटीन्यूअस इन क्लोजिंग इंटरवल, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए ये है, फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरी रियल पॉइंट एंड सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. अब तो जो मैंने ये क्वेश्चन किया है उसी हिसाब से क्वेश्चन होगा. और कैसे होगा अब देख लीजिए. ये फंक्शन है fx इक्वल टू 2x माइनस मॉड x, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी, ये फंक्शन आइदर कंटिन्यूअस और नॉट, ये हमको चेक करना होगा. वो कैसे चेक करोगे कंटिन्यूअस? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पे से इसमें है मॉड्यूलस फंक्शन, इस फंक्शन में मॉड्यूलस फंक्शन है, इसीलिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले. तो पहले डिफाइन कर लो. वो कैसे डिफाइन करोगे? एफ एक्स इज 2x माइनस x व्हेन x पॉजिटिव, मतलब x हो गया x पॉजिटिव, ठीक है. और एफ एक्स इज 2x माइनस माइनस x, क्योंकि x व्हेन x नेगेटिव, जब x नेगेटिव तो मॉड x का वैल्यू कितना होगा? माइनस x. तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 3x व्हेन x नेगेटिव, ठीक है. आप क्या होगा? आप होगा वन सेकेंड, वन सेकेंड, ये हो गया. तो एफ एक्स का फंक्शन कैसा डिफाइन हुआ? एक्स व्हेन एक्स पॉजिटिव एंड fx का वैल्यू हो गया 3x व्हेन x नेगेटिव, ठीक है. ये तो मैं निकालना अभी x लेस देन 0 और व्हेन x इक्वल टू 0 यहाँ बैठेगा तब कितना होगा? सेफ 2x होगा. तो ये हो गया, जब x 0 होगा तो यहाँ के वैल्यू को यह होगा 0 हो जाएगा, 2x माइनस 0 मतलब 2x हो गया व्हेन x इक्वल टू 0. ये हो गया फंक्शन का वैल्यू, ये हो गया फंक्शन का वैल्यू व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x लेस देन 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0. ये तीनों फंक्शन का वैल्यू हो गया, देख लीजिए अच्छी तरह से. तो इसे इसी हिसाब से ये फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा. ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू 2x माइनस x जो दिया था क्वेश्चन में S.N.Dey बुक में, तो इसका पहले इसी हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा. आप इसको चेक करना है कंटिन्यूटी और नॉट,
ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा ये चेक करने से पहले हमको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए माइनस, तो यार जो पॉइंट हो ए ये है जीरो पॉइंट, क्योंकि देख लीजिए यहाँ जीरो पॉइंट का ग्रेटर है, जीरो पॉइंट का लेस है, एट द पॉइंट जीरो है, तो ए प्लस मीन जीरो प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो माइनस ही होगा, तो जीरो का नजदीक एंड जीरो का क्लोज एंड जीरो का लेस होगा, तो ये कौन सा वैल्यू होगा, ये होगा ना ये होगा ये होगा, तो जीरो का लेस जीरो माइनस मीन्स जीरो का लेस तो ये होगा ये वाला, तो ये वाला जब करोगे तो यहाँ बैठा दो लिमिट थ्री एक्स एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जब जीरो माइनस है लेकिन जीरो माइनस मीन्स ए माइनस रिप्रेजेंट करता है जीरो से जस्ट छोटा, लेकिन माइनस यहाँ नहीं बैठेगा सिर्फ थ्री मल्टीप्लाइड बाई जीरो, ऐसे हो जाएगा जीरो, पूरा सा पूरा क्लियर है ना, जीरो माइनस मतलब ये माइनस नहीं है, ये माइनस रिप्रेजेंट करता है जीरो का जस्ट छोटा, ठीक है बहुत बहुत छोटा, इसीलिए जीरो हो गया। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट एक्सटेंस टू जीरो प्लस, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंस टू जीरो प्लस, और हो जाएगा जीरो प्लस जीरो का ग्रेटर है जस्ट, मतलब ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन का वैल्यू आप सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ एक्स बैठा दो यहाँ जीरो हो गया, तो ठीक है ठीक है। तो आप फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, एफ ए मतलब एफ जीरो, आप जीरो तो जीरो में कौन फंक्शन का वैल्यू कितना है टू एक्स, तो जीरो यहाँ बैठा दोगे तो कितना होगा टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो मतलब जीरो। तो देख लीजिए लाइफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट जीरो, थ्री का वैल्यू जीरो जीरो है सेम है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, तो सिंस तीनों का वैल्यू सेम है सो यू कैन से ऐसे जैसे यहाँ बोला था, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट इक्वल टू जीरो, तो हमने शो किया प्रूफ किया, तो प्रूफ से देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ओके ऐसा मैं लिख दूंगा एग्जाम में एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ओके दैट इज प्रूफ, जिसे यहाँ शो करना बोला प्रूफ करना बोला, सो मीन्स प्रूफ प्रूफ करना बोला, इसीलिए प्रूफ लिख देना, इसी हिसाब से ऐसा ही आपको एग्जाम में करना होगा बोर्ड में, अच्छी तरह से स्टूडेंट्स बच्चों सुन लो, इसी हिसाब से जैसे मैंने दिखाया मैंने जैसे दिखाया उसी तरीका से इसी मेथड से आपको एग्जाम में करना होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और जिसको ज्वाइंट एंट्रेंस जो बैठेगा जो स्टूडेंट्स ज्वाइंट एंट्रेंस डब्ल्यू बी जेई जेई मेन्स जेई एडवांस और जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है के पी पी आई बीट सेट और जे डिफाइन टाइप्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ज्वाइंट का, उस ज्वाइंट का भी आपको सजेशन एंड ज्वाइंट का भी सॉल्यूशन क्लास मिलेगा चैप्टर वाइज, ज्वाइंट एंट्रेंस का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज मिलने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के लिए वहाँ बहुत सारा वीडियो है आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए मेरा ज्वाइंट एंट्रेंस का बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ऑन कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूटी ठीक है ज्वाइंट का देख लीजिए, ज्वाइंट का क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं भी कर दिया है, ज्वाइंट का क्वेश्चन है ये है ज्वाइंट एंट्रेंस का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ऐसा ज्वाइंट एंट्रेंस का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है देख लीजिए अच्छी तरह से, ये है ज्वाइंट एंट्रेंस का डब्ल्यू बी जेई जेई मेन्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ ज्वाइंट एंट्रेंस का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है, लिमिट लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी डिफेंसिएशन इंटीग्रेशन हर चीज का, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिगोनोमेट्री हर चीज का, ज्वाइंट एंट्रेंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथमेटिक्स है ज्वाइंट एंट्रेंस डब्ल्यू बी जेई जेई मेन्स जेई एडवांस उसका सॉल्यूशन उसका क्लास चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए एंड कॉन्टिन्यूटी आप जरूर जाओगे, कॉन्टिन्यूटी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कब कब निकलेगा, अगर आपको चाहिए कुछ तो आप कमेंट में लिख देना कॉम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो बोर्ड लेवल एस.एन.दे का बोर्ड लेवल एस.एन.दे का जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो कैसे आपको लग रहा है ये कमेंट में जरूर लिखना, अगर किसी को थोड़ा दिक्कत हो रहा है किसी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम हो रहा है आप जरूर कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं और वीडियो अच्छा कर सकता हूँ। और एक बात स्टूडेंट्स, मेरा हिंदी बात इतना अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है
बाद में तो मुझे माफ कर देना जरूर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल फाइव एक्स इक्वल टू दिस। ये फंक्शन कहला जा सकता है, दिस फंक्शन इज सिंगम फंक्शन, यहां मेंशन नहीं है लेकिन ये फंक्शन है सिंगम फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर टू, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहले जो वाला क्वेश्चन वन था वो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो लिखना जरूरत नहीं है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी फाइव एक्स इज मॉड एक्स बाई एक्स, ये सिंगम फंक्शन कहला जा सकता है व्हेन एक्स लेस देन ए, व्हेन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो फंक्शन जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका अभी डिफाइन करना, क्योंकि इस फंक्शन में मॉड्यूलस फंक्शन है, जो मॉड्यूलस फंक्शन जब रहेगा तो उसको पहले डिफाइन करो। तो डिफाइन करने से क्या होगा, हमको पता है मॉड्यूलस एक्स इज एक्स, एक्स तो पहले से ही था, तो इस वैल्यू कितना होगा वन, है ना, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, क्लियर है, और व्हेन एक्स नेगेटिव तो ये क्या क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और एक्स तो नीचे में जो एक्स है डिनोमिनेटर में वो तो पहले से था, तो इसका क्या होगा वैल्यू माइनस वन व्हेन एक्स नेगेटिव। और देख लीजिए एक्स जीरो यहाँ से नहीं बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो जब होगा वो अलग तरीके से व्हेन एक्स जीरो, जीरो पहले से दे दिया फंक्शन इन द क्वेश्चन गिविन क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा जीरो होगा व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो जो ये फंक्शन डिफाइन होगा तो डिफाइन से क्या मिलेगा, व्हेन एक्स पॉजिटिव ये वन, व्हेन एक्स नेगेटिव ये माइनस वन, व्हेन एक्स जीरो इज जीरो। तो आप थ्योरी से कैसे करेंगे देख लो, फंक्शन डिफाइन होने के बाद ये हो गया फंक्शन, मैं और एक बार लिखता हूँ, वन व्हेन एक्स पॉजिटिव माइनस वन व्हेन एक्स नेगेटिव एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा देख लीजिए, तो ये जो फंक्शन थ्री फंक्शन का जो वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपको ये भी लिख सकते हो इसी तरह से, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या होगा, तो जीरो माइनस जीरो का जो नज़दीक है लेस देन जीरो, मतलब ये वाला, नॉट ये, नॉट ये, क्योंकि लेस देन जीरो मीन्स जीरो से जस्ट छोटा, ये वाला जीरो माइनस। ठीक है, तो जीरो का माइनस जीरो, जीरो माइनस जब होगा ये वाला सिलेक्ट करोगे एक्स लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस को कितना होगा माइनस वन ही है। राइट हैंड लिमिट ये भी कितना होगा, राइट हैंड लिमिट जब है देख लीजिए एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस जस्ट जीरो से बड़ा मतलब ग्रेटर जीरो, तो ये होगा वन। ठीक है, तो दोनों लिमिट अनइक्वल होगा, तो एफ जीरो वो तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से लिमिट नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, राइट हैंड लिमिट वन है, तो दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन तो एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए तो ऑटोमेटिकली फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस हो गया। सो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स यार द फंक्शन फाइव एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, पूरा क्लियर हुआ ना। तो क्वेश्चन था एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हुआ ना, एग्जामिन हुआ फाइव एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर हुआ ना। स्टूडेंट्स मैं और एक छोटा सा ट्रिक्स बताऊंगा, मेरा ऐसा बहुत ट्रिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्टकट रूल टेक्निक, वो जॉइन एंट्रेंस का है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का, वो आपको मिलेगा। आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे वहाँ आपको लिमिट
कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी और बहुत सारा टॉपिक्स है उसमें जॉइंट का जॉइन एंट्रेंस का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट नॉट शॉर्टकट ट्रिक्स ट्रिक्स स्पेशल ट्रिक्स कैसा शॉर्टकट रूल से आपका बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा इतना सारा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अल्प कम टाइम में आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं ये ट्रिक बहुत मिलेगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बोलना चाहूँगा वो देख लीजिए। जैसा मैं पहले बताया था जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँगा तो जो ट्रिक्स है मैं ट्रिक्स आप थोड़ा दे रहा हूँ जो ट्रिक्स है इसके बारे में। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा बोर्ड में तो आपको सॉल्यूशन इसी हिसाब से करना होगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसी हिसाब से यहाँ से ख़त्म होगा। ये आपको बोर्ड में जब थोड़ा सा ट्रिक में दिखाऊंगा जैसे जो ट्रिक्स है वही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी का पॉइंट में तो उसका जो देख लीजिए जो मॉड एक्स जो पहले में इसका ग्राफ अगर देखोगे तो क्या होगा इसका ग्राफ क्या होगा फाइव एक्स इज वन। तो अगर इसको ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा फाइव एक्स इज वन व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। तो ये होगा आपका एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस मतलब फाइव एक्स का वैल्यू ठीक है हुआ ना। ये हुआ माइनस एक्स ये हो गया माइनस फाइव एक्स। तो ये हो गया ओरिजिन। तो इसमें एक्स जो पॉजिटिव है हुआ एक्स तो पॉजिटिव है ये इसका वैल्यू कितना है वन तो ये बराबर चला जाएगा क्योंकि ये वैल्यू कितना है वन। और देखिए इसमें एक्स जीरो का इक्वल नहीं होगा नहीं है इसीलिए इसमें थोड़ा ओपन रहेगा और एक्स जब लेस देन जीरो इसके भी माइनस वन होगा ठीक है। तो इसीलिए माइनस वन मतलब ये होगा माइनस वन तो माइनस वन एक्स लेस देन जीरो मतलब ये नेगेटिव पोर्शन में इसका वैल्यू भी होगा माइनस वन छोड़ के क्योंकि एफ एक्स फाइव एक्स का वैल्यू कितना है माइनस वन तो फाइव एक्स ये बराबर पूरा फाइव एक्स माइनस वन हो गया माइनस वन ये छोड़ के तो जीरो पॉइंट में कितना होगा मतलब ये पॉइंट है जीरो देख लीजिए अच्छी तरह से यहाँ से मिल गया एक्स कॉमा जीरो और फाइव एक्स का वैल्यू है जीरो इसका वैल्यू हो गया लेस देन जीरो और ये हो गया फाइव एक्स का वैल्यू है माइनस वन इसीलिए नॉट इक्वल टू जीरो इसीलिए यहाँ पॉइंट ये पॉइंट टच नहीं किया क्योंकि माइनस वन यहाँ नहीं है ठीक है इससे तो लेस देन जीरो है ना जीरो तो टच नहीं कर रहा है इसीलिए यहाँ टच नहीं किया माइनस वन है पूरा माइनस वन चला गया। ये पॉइंट कितना होगा ग्रेटर देन जीरो कॉमा वन क्लियर है ना ये पॉइंट तो ग्रेटर देन जीरो मतलब ये जीरो का टच नहीं किया और जीरो से बाहर होकर के वन बराबर चला गया। तो आप देखिए ग्राफ से आप बहुत अच्छी तरह से इजीली आ गया डिस फंक्शन जो हमने बताया आप ड्रॉ करोगे जो लेफ्ट से राइट जाएगा तो यहाँ का हाथ आपको उठाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक तो ये जीरो पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। तो ये है सिंगम फंक्शन ये है सिंगम फंक्शन का ग्राफ ठीक है। ऐसा बहुत सारा ट्रिक्स है और भी बहुत अच्छा ट्रिक्स है वो आएगा वो जॉइन के बारे में दिखाऊंगा वो आप मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में जाइए आप वहाँ मिल जाएगा। ये बोर्ड लेवल क्लास ट्वेल्व का फाइनल जो एग्जाम बोर्ड लेवल का सॉल्यूशन है इसमें ये सब नहीं चलेगा ये ऐसा आपको दिखाना होगा जैसे मैं दिखाया या डिटेल से करना होगा। सिक्स पार्ट वन जो है ये देख लीजिए सिक्स पार्ट वन फाइंड द वैल्यू ऑफ के हुई इज द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू ये फंक्शन था फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस फाइव व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू टू व्हेन आप व्हेन लिख सकते हो सेमीकोलन भी दे सकते हो व्हेन लेस देन इक्वल टू टू एंड एक्स माइनस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन टू। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2002 में आया था ठीक है इसका सीबीएसई में 2002 में आया था इसका मतलब ये नहीं क्लास सेफ सीबीएसई बोर्ड में आएगा ये आपको आईसी बोर्ड में भी आ सकता है ये आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 एचएस में भी आ सकता है ये आप आईसी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है यूपी बोर्ड में भी आ सकता है इसीलिए जो मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ वो हार्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स का नॉट ओनली फॉर क्लास वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स का दिस सॉल्यूशन ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स का ठीक है जिसमें ये चैप्टर है जैसे कंटिन्यूटी लिमिट जो चैप्टर जहाँ पर है उसका भी ये जरूरत है लाएगा। तो देख लीजिए ये बोल रहा है वैल्यू का के कितना होगा क्या गिविन दिया है क्या फॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू
टू पॉइंट में कॉन्टिन्यूस ये बताया, क्वेश्चन क्वेश्चन में गिविन है, प्रदत्त है कॉन्टिन्यूस एट एक्सिक्वल टू, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पहले लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट एक्सिक्वल टू मीन्स यह किया है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों यूनिट्स निकालना होगा और तीनों यूनिट्स सेम है ना, दैट इज अर्थात लिमिट ऑफ एफ एक्स, कौन सा फंक्शन यहाँ है, एफ एक्स फंक्शन है, तो इसमें तो मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसको डिफाइन करना नहीं पड़ेगा, पहले मॉड्यूलस फंक्शन था इसीलिए वहाँ डिफाइन किया, लेकिन इसमें तो मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है इसीलिए डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो एक्स टेंस टू टू माइनस लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स टेंस टू टू प्लस राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ टू, और तो लिमिट ऑफ एफ एक्स टू माइनस कितना होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू टू माइनस, ठीक है, एफ एक्स तो टू माइनस मोर जस्ट लेस देन टू, तो कौन सा वाला सिलेक्ट करूँ मैं, ये वाला टू माइनस, टू माइनस मीन्स एक्स लेस देन टू, तो के एक्स प्लस, एक्स लेस देन टू में इसका वैल्यू फंक्शन का वैल्यू है के एक्स प्लस फाइव, और टू प्लस में एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, टू प्लस टू ग्रेटर जो है ये वाला, मतलब एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स माइनस वन एक्स लेस देन टू प्लस, और ये होगा एफ टू, एफ टू क्या होगा नहीं, ये पहले पहले बता, एक्स ग्रेटर देन टू ओनली ग्रेटर देन टू, और ये होगा दोनों एक्स लेस देन टू एंड एक्स इक्वल्स टू टू, तो हमको चाहिए यह एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू टू, सो ये जरूर दे, तो एक्स के टू बारे में फंक्शन का वैल्यू यह है, एक्स ग्रेटर देन टू का भी को फंक्शन का वैल्यू यही है, तो यहाँ के एक्स प्लस फाइव, और के एक्स प्लस फाइव तो एफ टू कितना होगा, के टू प्लस फाइव, एक्स के में टू बैठा दो, ठीक है, वो समझ में आ गया ना, एफ एक्स यह है के एक्स प्लस फाइव, तो एफ टू कितना होगा, यहाँ एक्स टू बैठा दो, तो के टू प्लस फाइव, टू के प्लस फाइव, तो और क्या होगा, ये मैंने पहले बताया टू माइनस का मीन्स है इसका सिंबल माइनस नहीं है, टू माइनस है लेस देन टू, तो इसीलिए यहाँ सिर्फ टू बैठोगे, तो टू के टू प्लस फाइव, टू माइनस वन टू के प्लस फाइव, तो इसी हिसाब से ये दोनों सेम है, तो यहाँ से आप निकल जाएगा क्या होगा, टू के वन माइनस फाइव और के इक्वल्स टू माइनस फोर बाई टू, दैट इज माइनस टू, क्लियर है ना, तो के का आंसर कितना होगा, माइनस टू, तो ये हो गया आपका के का वैल्यू माइनस टू, ये हो गया आंसर, क्योंकि कंटिन्यूअस गिविन था, कंटिन्यूअस मेंशन था क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो मैंने अभी जो क्वेश्चन में किया वो एम सी क्यू टाइप का ये क्वेश्चन किया, फोर नंबर क्वेश्चन भी किया, ये क्वेश्चन भी किया, ठीक है, और ये भी सिक्स पार्ट वन भी किया, अब सिक्स पार्ट वन भी किया, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, सिक्स पार्ट टू, तो देख लीजिए सिक्स पार्ट टू जैसा है, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सिक्स पार्ट वन जो मैंने दिखाया उसी हिसाब से होगा, तो स्टूडेंट्स बच्चों आप हाउस में घर में करो, ठीक है, सेल्फ स्टडी, जो मैंने मेथड दिखाया उसी हिसाब का वो हो जाएगा, अगर नहीं होगा आप कमेंट में जरूर लिख देना, कमेंट में जरूर लिख देना, मैं रिप्लाई करूँगा, और जब बहुत स्टूडेंट का नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सेवन पार्ट भी उसी हिसाब से होगा जैसे मैंने दिखाया ये क्वेश्चन, ठीक है, सेवन पार्ट का, तो सिक्स पार्ट टू सेवन ये क्वेश्चन आप घर में कर लो। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर एट, इंडिकेट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो मैं एक बात दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला एट पार्ट वन, ये क्या है, इंडिकेट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी व्हेयर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो यहाँ जो एट पार्ट वन है, क्वेश्चन है एट पार्ट वन, क्या है ना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो ये फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कैसे होगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा कब, ये वन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस मीन्स दिस फंक्शन व्हेन अनडिफाइंड, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन अनडिफाइंड, ना जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ये वाला जीरो होगा, क्योंकि दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन
x square minus 2x minus 3 is 0. तो यहां से जो x का पॉइंट मिल जाएगा, अगर इसे फैक्टर करोगे, अगर फैक्टर नहीं होगा तो सीधा आंसर जो फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, x minus 3 common x plus 1. ओके, तो यहां से पॉइंट निकल जाएगा, implies that x equals to 3 and x equals to minus 1, दोनों पॉइंट. तो दोनों पॉइंट में अगर यहां बैठोगे तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यू डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन दोनों पॉइंट में अनडिफाइंड हो जाएगा. सो दोनों फंक्शन दिस पॉइंट में डिसकंटीन्यू, वन पॉइंट इफ एनी फंक्शन इज अनडिफाइंड एट एनी पॉइंट देन दिस फंक्शन इज मस्ट बी डिसकंटीन्यूअस. कोई फंक्शन अगर कोई पॉइंट में अनडिफाइंड हो जाएगा तो वो फंक्शन उस पॉइंट में जरूर डिसकंटीन्यूअस होगा. सो इसीलिए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, क्लियर है ना. तो उसी हिसाब से आप पॉइंट 2 भी कर सकते हो. इसका जो नीचे है ये अब जीरो कर दोगे, जीरो कर दोगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा. तो जीरो करके आप पॉइंट निकाल लो, वही हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इसी हिसाब से ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जीरो हो जाएगा. तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जीरो करके वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लोगे. करो, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में जरूर लिख देना, हम वीडियो बना के आपको दे दूंगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, आप है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. देख लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो टू है वो है एफ एक्स हाफ माइनस एक्स एक्स लेस देन 3 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 3 एक्स माइनस हाफ व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3. ठीक है, व्हेन के जगह आप एक कॉलन दे सकते हैं, कोई बात नहीं. तो ये आप बोर्ड में, बोर्ड का एग्जाम में कैसे करोगे, जो आपको फुल मार्क्स मिलेगा वही मैं दिखा रहा हूँ आपको. पहले यहाँ जैसे बताया था, कैलकुलेट एफ 3 माइनस 0, एफ 3 माइनस 0 आपको निकालना. मैं पहले ही बताया एफ 3 माइनस 0, जो अभी मैंने थोड़ा पहले बताया, 3 माइनस 0 क्या, 3 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस. ठीक है, तो 3 माइनस मीन्स क्या है, लेस देन 3, मतलब ये लेस देन 3 में ये फंक्शन का वैल्यू है, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ बैठा हुआ. तो हाफ माइनस एक्स एक्स टेंस टू 3 माइनस, तो यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा, हाफ माइनस 3, सिर्फ 3 बैठेगा, क्योंकि 3 माइनस क्या है, इसका वैल्यू माइनस नहीं होगा, जस्ट सिर्फ 3 बैठेगा. तो क्या होगा, हाफ माइनस 3 मतलब माइनस 5/2. क्लियर हुआ ना, आप निकलना होगा आप 3+0, ये क्या होगा, लिमिट ऑफ 3 प्लस एफ एक्स. बच्चों समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, देख लो दोस्तों, 3 प्लस जब होगा तो 3 प्लस मींस 3 का ग्रेटर, मतलब ये होगा, ये वाला नहीं होगा. तो 3 का ग्रेटर जो फंक्शन है, वैल्यू है फंक्शन का, ये वाला फंक्शन का वैल्यू है 3 का ग्रेटर, तो एक्स माइनस हाफ, तो क्या होगा, 3 माइनस हाफ 5/2, 6 माइनस 1 5/2. तो तीनों का वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकल गया, आप होगा एफ थ्री क्या होगा, एफ थ्री होगा जब 3 से इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है. तो एफ थ्री यहाँ बैठा, एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू 3 यहाँ बैठा, तो एफ थ्री का वैल्यू हो जाएगा 1, एफ थ्री का वैल्यू हो जाएगा 1. ठीक है, तो आप देख लो जो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 5/2, राइट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट कितना है, 5/2 और 1, तो तीनों जिन्हें सेम है. लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू है एफ थ्री, तीनों जिनिस अनइक्वल है. सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3. सो दिस फंक्शन एफ एक्स कहला जा सकता है इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 3. तो इसी हिसाब से पूरा आपको डिटेल्स में करना होगा फॉर बोर्ड लेवल
क्लास 12 एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन ओनली फॉर शॉर्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो शॉर्टकट तरीका टेक्निक रूल्स जो स्ट्रिक्स है वो आपको ज्वाइन का क्लास में मिलेगा। वो आपको प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ आपको मिल जाएगा हर तरह का ज्वाइन एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्यूशन शॉर्टकट ट्रिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसीलिए ये क्वेश्चन आप खुद करोगे हाउस में, ये होगा आपका सेल्फ वर्क। अगर इसका नहीं होगा तो इसका कमेंट में जरूर लिख देना, इसका वीडियो में बना करके अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 एचएस में 2018 में आया था, ठीक है। तो इस साल का मैं सजेशन में भी ये क्वेश्चन दिया, इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। ओके, तो जो क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एफ एक्स इज गिविंग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ मेथड भी देख लीजिए, किसके इसी हिसाब से इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, इस टाइप का और भी क्वेश्चन है। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो हाउस में। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा आपको ट्राई करने के बाद तो आप कमेंट में जरूर जरूर लिख देना, कमेंट करना भूलना मत और शेयर भी करना ऑल योर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे मैंने बोलाया जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या है देख लो, ये एक्स एक्सिस है, ओके ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या है, ये है नेगेटिव पार्ट फ्रॉम यहां से और यहां से 0 पॉजिटिव पार्ट, ये पॉइंट है 0 एग्जैक्ट 0। तो एग्जैक्ट 0 जो पॉइंट है ये होगा 0 पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 माने दोनों का रिप्रेजेंट करता है एक्स नेगेटिव पोर्शन एंड एक्स पॉजिटिव पोर्शन। तो जो एक्स नॉट इक्वल टू 0 है इसका मीन्स क्या है, द फंक्शन एफ एस का डिफाइन कर दो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0, क्लियर है ना, एंड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। और 1 तो गिविन है, तो ये है फंक्शन का डिफाइन मैंने कर दिया। तो बच्चों आप पहले जैसा हमको निकालना होगा तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, बहुत इजी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, बहुत बहुत इजी है। मैं जो दिखा रहा हूँ अच्छी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो घर में, आपको जरूर होगा और बहुत अच्छी मार्क्स मिल जाएगा। मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी बता दे रहा हूँ और फुल का सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन मैं बात दे रहा हूँ वो आपको हाउस में ट्राई करने के दे रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है और सेल्फ का थोड़ा जब प्रैक्टिस करोगे जो मेथड मैंने दिखाया तो उसी हिसाब से करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपको एग्जाम में बहुत सारा हाई मार्क्स भी मिलेगा। इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन जो थोड़ा क्वेश्चन मोर क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छा होगा, मोर क्वेश्चन हाउस में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में लिख देना, आप वीडियो बनाएंगे। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए, सिर्फ एक जन और दो तीन जन कमेंट आएगा तो कैसे मैं वीडियो करूँगा। इसीलिए आप शेयर भी जरूर करना, जितना भी शेयर करोगे उतना भी कमेंट आएगा तो वीडियो बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि देख लीजिए 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट में हमको लिमिट निकालना होगा। तो 0 पॉइंट लेस में ये नहीं है, ये है 0 पॉइंट ग्रेटर में फंक्शन, और 0 पॉइंट लेस में जिसका वैल्यू है फंक्शन का ये है, क्योंकि एक्चुअली 0 का नॉट इक्वल में दोनों ए है, तो इसका मीन्स क्या है, 0 के लेस में भी फंक्शन है और 0 के ग्रेटर में भी फंक्शन सेम है, ठीक है। तो इसीलिए
1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। इसीलिए ये दोनों निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो पॉइंट में नॉट इक्वल टू जीरो में एक फंक्शन है। इसका मीन से ये पॉइंट का दोनों पॉइंट है, एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, आपको समझाने के लिए ये मैंने बताया। इसीलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट जो ऐसा होगा राइट हैंड लिमिट सेम होगा, इसीलिए एक सेम होगा ना, इसीलिए एक लिमिट निकाल लगे हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम होगा, वो हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू जीरो। ये जीरो माइनस नहीं दिया कि जब जीरो माइनस जीरो प्लस बैठेगा तो जीरो माइनस तो ये होगा, जीरो प्लस भी ऐसा होगा, तो दोनों ही का सेम होगा। ठीक है, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट होगा। इसका मीन्स क्या है, लिमिट का एग्जिस्ट होगा दोनों ही का सेम होगा, इसीलिए एक निकल रहे तो दोनों का बाहर आ जाएगा। तो ये मैं कहने लिखा है आपको समझाने के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एफ एक्स लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू जीरो, इसका फंक्शन का वैल्यू क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू जीरो। क्लियर है ना, आप इसको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो देख लीजिए, वन माइनस कॉस एक्स है, ये वन माइनस कॉस एक्स का ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसी हिसाब से आप कर सकते हो। इससे अच्छी भी बेटर है वो मैं दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मूला छोड़ के, इस फॉर्मूला यूज करके आप ये लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला छोड़ के कैसे करोगे वो इजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो। जिसमें वन माइनस होगा, जिसमें वन माइनस होगा, वन माइनस कॉस एक्स इसी टाइप का होगा, तो आप लाइक रैशनलाइजिंग कर दो, रैशनलाइजिंग मतलब कर दो। तो वन माइनस कॉस एक्स है, वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अगर यहाँ वन, ठीक है, वन माइनस साइन एक्स होगा तो वहाँ वन प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो क्या होगा, तो इसमें बहुत ईजी होगा, इसमें भी ईजी हो सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा एक्स बाई टू आ जाएगा, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ये होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन और भी ज़्यादा होगा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होगा एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो आप हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हुआ साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस कॉस एक्स। ये हो जाएगा लिमिट, देख लीजिए साइन एक्स अपॉन एक्स, ये होल स्क्वायर कर दो लिमिट, और इसका लिमिट हो जाएगा वन बाई वन प्लस कॉस एक्स एक्स टेंस टू जीरो। आप इसका लिमिट तो समझे रहना, ये होगा बैठा दे सकते हो साइन एक्स, फिर भी पूरा घुसा दो अंदर में। ठीक है, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस जीरो, और हो जाएगा वन होल स्क्वायर मतलब वन बाई वन प्लस वन। ठीक है, मतलब वन बाई टू। तो ये हो गया लिमिट का वैल्यू। तो एफ एक्स का जो ये फंक्शन है इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हाफ है, लेकिन जीरो पॉइंट में वन, बट एफ जीरो है वन। क्लियर है ना, इसी हिसाब से डिसकॉन्टिन्यूस इज डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू कितना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट कितना है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो कितना है हाफ, और इसका वैल्यू एफ जीरो कितना है वन, तो ये नॉट इक्वल टू एफ जीरो है, ये है हाफ, ये है वन। समझ में आया ना, दैट इज क्लियर, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है हाफ हाफ बाई, ये नॉट इक्वल टू है। सो ड्यू टू दिस दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज डिस कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये प्रूफ करना बोला था क्वेश्चन में, इसीलिए
आप प्रूफ भी लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स बच्चों इसी हिसाब से आपको करना होगा, जैसे मैंने पूरा डिटेल्स में कर दिया फॉर बोर्ड लेवल का, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जॉइंट लेवल का शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट मेथड टेक्नोलॉजी है, जैसे बहुत छोटा सा टाइम में एक लाइन में दो लाइन में ट्रिक से हो जाता है, वो जॉइंट का है, वो बोर्ड में नहीं चलेगा। बोर्ड का टाइप अलग है, जॉइंट का टाइप थोड़ा अलग है, शॉर्टकट तरीका है। इसीलिए जॉइंट का क्वेश्चन पाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और बोर्ड लेवल का चैप्टर सॉल्यूशन मिलेगा। कॉन्टिन्यूस के और भी बहुत सारा कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। मैं यहाँ तो किया है फोर तक, आप 5, 6, 7, 8 और भी बहुत क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा अगली वीडियो में। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, ये चैनल साथ आपको रहना होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा हार्ड टाइप का क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। दिस इज मच फॉर टुडे, प्लीज वॉच नेक्स्ट पार्ट फॉर द सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन S.N.Dey बुक एंड ऑल्सो NCERT बुक, चैप्टर टू चैप्टर कौन डिफेंसिबिलिटी डिफेंसिशन इंट्रीगेशन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट प्रोबेबिलिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आपको जस्ट ये चैनल कीप वॉचिंग वॉच करना होगा, और कमेंट भी करना होगा, और शेयर करना भूलना मत, जरूर शेयर करना, जितना भी शेयर करोगे उतना भी मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ, शेयर करोगे जरूर शेयर करोगे, हर स्टूडेंट्स के लिए, हर स्कूल के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।